तो गाइस, BWF ने फाइनली पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के बैडमिंटन के ग्रुप्स के ड्रॉज रिलीज़ कर दिए हैं। जी हाँ, कल शाम में ये ड्रॉज निकल कर आए थे और बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉज भी मिले हैं इंडिया को, कुछ तो मेडल्स भी कंफर्म हो चुके हैं। तो आज हम उसी ड्रॉज को डिस्कस करेंगे और आज हम सिर्फ पार्ट वन डिस्कस करेंगे, यानी कि मेन सिंगल्स एंड मिक्स डबल्स के ड्रॉज को एनालाइज करेंगे पूरी तरह, कि कौन सा प्लेयर हमें मिलने वाला है सेमीफाइनल्स में, कौन सा प्लेयर मिलने वाला है गोल्ड मेडल मैच या ब्रॉन्ज मेडल मैच में, कहां से मेडल आ सकता है और कहां हमारे प्लेयर पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। ये सब हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है, बाकी पार्ट टू भी मैं जल्दी लाऊंगा। तो हाँ, मेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को बहुत देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं SL3 के साथ मेन सिंगल्स में, जहां नितेश कुमार और मनोज सरकार सेम ड्रॉ में हैं और इनके साथ एक थाईलैंड के प्लेयर हैं मोंगखॉन बुनसुन एंड एक चाइनीज़ हैं यांग जियान। तो ये मुझे लगता है यहां से हमारे दोनों इंडियंस क्वालिफाई हो सकते हैं, अनटिल कोई ये जो चाइनीज़ हैं ये कोई अपसेट ना करें, वरना तो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर्स का सामने वाले प्लेयर्स के साथ रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है। अब मैं बात करूं सेमीफाइनल्स की, तो सेमीफाइनल्स में नितेश को दायसुके फुजीहारा मिल सकते हैं, क्योंकि दायसुके फुजीहारा मुझे लगता है नंबर टू पे फिनिश करने वाले हैं ग्रुप बी में। तो नितेश ने दायसुके को हराया हुआ है, बहुत बारी धोया हुआ है, तो नितेश का मुझे लग रहा है गोल्ड मेडल मैच तो आप पक्का मान के चलिए। और वहीं सेमीफाइनल्स में अगर मनोज जाते हैं अपने ग्रुप से, तो उनका मैच भी होने वाला है डैनियल बैथल से, और डैनियल बैथल आपको पता ही है इस कैटेगरी में मतलब महान प्लेयर है इस कैटेगरी का वो, तो वहाँ पे मुझे लगता है मुश्किल रहने वाला है मनोज के लिए। हालांकि मनोज सरकार अगर यहाँ पे हार जाते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल मैच में उनका मैच होने वाला है दायसुके फुजीहारा से, और दायसुके फुजीहारा को उन्होंने रिसेंटली एक दो बार हराया हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आ सकता है, 90% चांसेस हैं। अब चलते हैं मेन सिंगल्स SL4 की तरफ, जहाँ हर एक ग्रुप से एक ही प्लेयर क्वालिफाई होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुहास को तो बहुत इजी ग्रुप मिला है, हिकमत और शिन क्यूंग हुआन उनको मिले हैं, इनको तो वो इजीली स्ट्रेट सेट्स में हरा के सेमीफाइनल्स में चले जाएंगे। ग्रुप बी में बात करें तो वहाँ हमारे सुकांत कदम हैं, जिनको मोहम्मद आमीन और सिरीपोंग मिलेंगे। सिरीपोंग से वो जीत सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आमीन से उनका जीतना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ से मुझे उनका क्वालिफाई करना मुश्किल लग रहा है। वहीं ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी जो तरुण ढिल्लन है उनको माजुर ल्यूकस से खेलना पड़ेगा। हालांकि जो तीसरे खिलाड़ी हैं उनसे वो जीत जाएंगे, लेकिन माजुर ल्यूकस से जीतना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है, मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज माजुर ल्यूकस इज़ द विक्टर एक्सेलसन ऑफ दिस कैटेगरी। तो मुझे लगता है सिर्फ सुहास सेमीफाइनल्स में जाने वाले हैं, और सेमीफाइनल्स में जो है वो सुहास की जो टक्कर होने वाली है वो होने वाली है आमीन से, मोहम्मद आमीन। और लेकिन अगर सुकांत मोहम्मद आमीन को हरा देते हैं तो सुहास वर्सेस सुकांत सेमीफाइनल्स में होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सुहास वर्सेस मोहम्मद आमीन होगा, और सुहास ने मोहम्मद आमीन को रिसेंटली हराया हुआ है तो वहाँ कुछ इतना दिक्कत नहीं है। तो सुहास को फाइनल्स में मिलेंगे माजुर ल्यूकस, इस तरह सुहास का भी मुझे लग रहा है मेडल ऑलमोस्ट पक्का है, बाकी सुकांत और तरुण का तो मेडल मतलब श्योर हूँ मैं कि नहीं आने वाला। अब बात करते हैं मेन सिंगल्स SL6, जहाँ से टॉप टू जो हैं वो जाएंगे नॉकआउट्स में, और ग्रुप ए और ग्रुप सी के जो टेबल टॉपर्स होंगे वो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स में जाएंगे। वहीं ग्रुप ए के सेकंड नंबर के खिलाड़ी ग्रुप बी के फर्स्ट और सेकंड और ग्रुप सी के सेकंड नंबर के खिलाड़ी विल गो टू क्वार्टर फाइनल्स। अब बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप ए में है सुवा राजन सोलह मलाई, तो इनको बहुत टफ ड्रॉ मिला है, बिकॉज तीनों ही खिलाड़ी मैं बोलूँगा इनके लिए टफ है। चूमन काई तो डेफिनेटली बहुत टफ हैं, क्रिश्चियन कुम से भी ये रिसेंटली हार रखे हैं, और सुभान सुभान भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो सिवा राजन का तो सेमीफाइनल्स या फिर क्वार्टर फाइनल जाना पक्का ना मान के चलिए। इसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में कृष्णा नागर है, इनको बहुत इजी ड्रॉ मिला है, माइल्स क्रिजुस्की और नाथापोंग मीचाई को उन्होंने हरा रखा है, तो यहाँ से वो सेमीफाइनल्स माफ़ कीजिएगा क्वार्टर फाइनल्स इनको खेलना पड़ेगा, तो वो क्वार्टर फाइनल्स जाएंगे यहाँ से। अब बात करें क्वार्टर फाइनल्स की, तो क्वार्टर फाइनल्स में इनकी भिड़ंत होने वाली है क्रिश्चियन कुम्स से, क्योंकि मुझे लगता है क्रिश्चियन कुम्स ग्रुप ए में सेकंड नंबर पे फिनिश करने वाले हैं, तो क्रिश्चियन कुम्स को भी कृष्णा नागर ने हरा रखा है, तो इतनी मुश्किल वहाँ पे नहीं आएगी। और सेमीफाइनल इनका होने वाला है विक्टर टावेरेस से, जो अच्छा मैच रहेगा, मैं कहूँगा 60-40 मैं इस मैच को रखूँगा इसके कृष्णा के फेवर में। तो सेमीफाइनल्स भी अगर वो जीत जाते हैं तो फाइनल्स में तो फिर उनको डेफिनेटली मिलने वाले हैं चू मानकाई। तो हाँ,
तो यहाँ से भी आप कृष्णा नगर का मैं बोलूँगा मेडल पक्का ही मान के चलिए, एटलीस्ट सिल्वर तक या फिर ब्रॉन्ज तक, बाकी गोल्ड के लिए भी वो चूमन गाई को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं मिक्स डबल्स की तरफ, जहाँ पहली कैटेगरी है SL3 SU5, जहाँ हमें ग्रुप ए में ही हमारे दोनों पेयर हैं। अब प्रमोद भगत नहीं है तो हमारा यहाँ से भी मेडल हम श्योर नहीं बोल सकते हैं, बट अगर मैं थोड़ा एनालिसिस किया करूँ तो उसके अकॉर्डिंग हिकमत रामदानी एंड लियानी ऑक्टेला का तो गोल्ड मेडल पक्का ही मान के चलिए आप इस कैटेगरी में, तो वहाँ उनसे हम नहीं जीत सकते। बाकी ल्यूकस माजूर और फॉस्टिन नोएल को नितेश कुमार और तुलसीमती की जोड़ी ने रिसेंटली हरा रखा है फोर नेशंस में, तो मैं होप करूँगा कि वो पेरिस में भी हराएं और एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक जाएं। फिर सेमीफाइनल्स में इनकी टक्कर होगी फ्रेडी सेटियावान एंड खालिम तो सादिया की जोड़ी से, जहाँ भी इनका जीतना मुश्किल है, तो अगर वहाँ पे हम हार जाते हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हमारी टक्कर फिर होगी ब्रॉन्ज मेडल मैच में यांग जियानियन एंड यांग चियोजिया से, जिनसे हम अभी रिसेंटली जीते हुए हैं एशियन गेम्स में, तो मैं होप करूँगा कि पेरिस में भी जीतें एंड यहाँ से भी हम एक एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल की तो उम्मीदें ज़रूर लगा सकते हैं। इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी है मिक्स डबल्स SH6, जहाँ हमारा एक प्लेयर है शिवा राजन और नित्या, यहाँ से भी टॉप टू पेयर्स जाएंगे और मैं मतलब बोलूँगा कि इनको तो बहुत बहुत अच्छा ड्रॉ मिला है, बिकॉज जो ये नित्या और शिवा राजन है इनका जैक शेफर्ड, सुभान रीना एंड लिन और ली के खिलाफ रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ मुझे लग रहा था थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ये तीनों पेयर अब दूसरे ग्रुप में चले गए हैं और हमें जो है वो बहुत बहुत ईजी ग्रुप मिला है यार, क्योंकि माइल्स क्रिजूस्की और जेसी साइमन की जोड़ी को हम हरा सकते हैं, नेथपोंग मीचाई एंड चाई सई उनकी जोड़ी को भी हम हरा सकते हैं, तो अगर यहाँ से हम क्वालिफाई मोस्ट प्रोबेबली नंबर वन पे ही होंगे। उसके बाद मुझे लगता है सेमीफाइनल्स में हमें मतलब वैसे तो ग्रुप ए बहुत टफ है, बट मुझे लगता है सुभान और रीना की जो जोड़ी है वो इस ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर फिनिश करने वाली है, और जो जैक शेफर्ड और रचल चुंग की जोड़ी है ये नंबर टू पर फिनिश कर सकती है, और इस केस में जो हमारा सेमीफाइनल होगा वो होगा जैक शेफर्ड और राचल चुंग से, और अगर हम वो मैच भी हार जाते हैं तो हमारे जो ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा वो अपने ही ग्रुप के किसी पेयर से होगा, तो यहाँ से तो मैं आपको बोलूँगा मेडल पक्का ही मान के चलिए, बिकॉज ग्रुप बी से जो भी सेकंड टीम जाएगी वो सेमीफाइनल्स में डेफिनेटली हारने वाली है, और अगर हमारी टीम भी सेमीफाइनल्स में हार जाती है तो इट विल बी लाइक ग्रुप बी का ही मैच होगा आपस में, तो यहाँ से भी आप एक ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का ही मान के चलिए 100% आएगा ही आएगा। तो यही था बैडमिंटन ड्रॉ की पार्ट वन वाली वीडियो में, बाकी पार्ट टू यानी कि विमेन सिंगल्स पर मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार करना, बाकी एक प्रेडिक्शन वीडियो भी मैं बैडमिंटन का फिर से ला दूंगा, तो या वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, बाकी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय पैरालंपिक्स।